हेलो फ्रेंड, ये देखिए आज एक नया प्रोडक्ट सिलेंडर की बजाज का है। किस गाड़ी का है सब कुछ आपको वीडियो के अंदर बताएंगे। ये किस गाड़ी में नहीं लग सकता है, अब किसी एक ही गाड़ी में ये लगेगा, उसके अलावा और किसी गाड़ी में ये नहीं लगेगा, आपको सब वीडियो के अंदर बताएंगे। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूँ संदीप। हमारे चैनल को आपका प्यार हमेशा मिल रहा है, आगे भी मिलने की संभावना है, हमें भरोसा है। और ये एक नया पार्ट आया है आज बजाज का जेन्युइन पार्ट है। ये सिलेंडर किट है। क्या MRP पे आता है, क्या सब कुछ आता है, सब आपको हम बताएंगे। पहले इस पार्ट को अनबॉक्सिंग करते हैं। ये खुल गया था, चेक करके लाया हूँ, बिना चेक करे लाने का कोई मतलब नहीं है। इसका रैपर लेकिन नहीं खुला है, ये पैक है, ये डब्बे में आप कुछ नहीं आता है। इसका इसमें प्राइज है, सब कुछ आपको हम बताएंगे इस बात में। पहले इसको ओपन करते हैं, चेक करता हूँ। ये खुल गया, ये हमारा निकल गया। इसमें एक तो ये लॉक है, एक फिस। अब ये हमारा बजाज किस गाड़ी का है पहचानिए तो बताइए। ये टेंशनर का जगह है, यहाँ पे एक बोल्ट का साधा है, ये पिस्टन है, ये वॉल का कुछ है, यहाँ पे टाइमिंग चैन, टाइमिंग गाइड दोनों साइड लगता है, कुछ इस तरह का है। और गाइड को एडजस्ट करने के लिए एडजस्टर यहाँ लगता है, ठीक है। और कुछ तो इसमें है नहीं, पिस्टन ये पास नहीं है, तो जो पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन किस कंपनी का आपको हम बता सकते हैं जी। पिस्टन हमारा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, पिस्टन पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसमें रिंग लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, पिन भी लगा हुआ है। इसका एक लॉक केवल बाहर है, ठीक है। अब इस पे देखते हैं कहीं बजाज का ब्रांडिंग है कि नहीं। देखिए इस है, ये है बजाज का ब्रांडिंग, देखिए यहाँ लिखा हुआ बजाज का है, ठीक है। और ये ब्लैक में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी बजाज का मोहर लगा हुआ है और ऐसा कुछ तो नहीं है इसमें। अब पिस्टन का जो कंपनी पिस्टन डाली हुई है उस पर कोई कंपनी तो नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ए, फिर JA-AL31K C2, ठीक है। ये इसका कुछ पार्ट कोड होता होगा, ये कंपनी अपनी तरफ से डाली हुई है। बजाज का ये जेन्युइन है। अब आते हैं इसके डब्बे पे, इसके MRP और क्या है, ये किस गाड़ी में लगता है वो अभी आपको हम बताए नहीं हैं, बताएंगे, वेट करिए, बताते हैं। पहले इसके पार्ट कोड पे आते हैं। पार्ट कोड है इसका 36JD0021, ठीक है। ये पार्ट कोड है, इसकी MRP है 2250, 2250 रुपये वन पीस, ठीक है। CYL सिलेंडर ब्लॉक असेंबली XCD लिखा हुआ है, तो केवल ये XCD का है। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है 21/2021, ठीक है, 21/12/2021 का ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसका पड़ा हुआ, ठीक है। इसकी MRP है 2250 रुपये, ये जेन्युइन सामान है। और इस सिलेंडर किट पे भी देख लेते हैं कहीं पार्ट कोड इस तरह का पड़ा हुआ है क्या। ये देखिए डेट डाला हुआ है, देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, 12/21/12 ही लिखा हुआ है। जो भी लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। P5A ओके टेस्टेड का देखिए यहाँ मार्क लगा हुआ है, ये ऑयल से भींगा हुआ रहता है, कंपनी ऑयल से भींगा हुआ देती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ टेंशनर, ये इस होल में टाइमिंग चैन एडजस्टर लगता है,
एक इधर टाइमिंग गाइड लगता है, किस तरफ टाइमिंग गाइड लगता है, बीच में चैन लगता है, ठीक है। ये ब्लॉक बदलने का एक ही रीजन है, उस गाड़ी का ब्लॉक हो गया था 50, और ब्लॉक इसलिए बदल देना चाहिए, 50 के ऊपर ब्लॉक को बोर नहीं कराना चाहिए, 50 तक लास्ट होने को तो 75 भी होता है, लेकिन 75 नहीं कराना चाहिए। और बोर भी कौन सा होना चाहिए, बोर भी क्रॉस बोर होना चाहिए, और कोई बोर अच्छा नहीं होता है, क्रॉस बोर सबसे बढ़िया होता है, सबसे अच्छा होता है, कंपनी भी वही बोर करके देती है। अभी इसमें आपको हम दिखाते हैं, देखिए इसमें देखिए स्क्रैच देख रहे हैं, क्रॉस बोर है ये आपको दिख रहा होगा तो समझ में आएगा। ये एक मिनट इसको नीचे करते हैं, इधर देखिए क्रॉस बोर है, दिख रहा है क्रॉस क्रॉस टाइप का बना हुआ है। कंपनी भी क्रॉस बोर ही करती है, इसलिए करती क्योंकि कंपनी को भी पता है कि क्रॉस बोर ज़्यादा चलता है और जो सीधा बोर होता है वो गड़बड़ होता है, क्रॉस बोर ही सबसे सक्सेस है। और ये XCD गाड़ी में लगेगा, XCD गाड़ी का है ये, और XCD 125cc पुरानी वाली डिजिटल मीटर जो आती थी उसमें ये लगेगा। और इसका MRP आपको हम बताई दिए हैं, 2250 रुपये का है, और बजाज का जेन्युइन है, और प्रेजेंट का अगर रेट बढ़ा होगा तो नहीं बता सकते, ये इस डेट का रेट है, डेट क्या है इसका 12/2021 का डेट, उस डेट के हिसाब से ये 2250 रुपये है। 2022 में क्या रेट है नहीं पता, ये पुराना स्टॉक है इसकी वजह से ये रेट है, अब तो रेट बहुत सारी चीज़ों का बढ़ गया है। और ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और कमेंट ज़रूर करिए, और हमारे वीडियो का हमारे वीडियो पे आपका सपोर्ट बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।